हे गाइस, कैसे हो सारे। यकीन करता हूँ कि अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सबको कुछ इस टाइप के नॉर्मल पिक्चर को कुछ इस टाइप का कलर ग्रेडिंग करना सिखाऊंगा बहुत ही आसानी तरीके से। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही डिटेल्स में समझाऊंगा। सो आप सब वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। एंड उससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। सो आपको गाइज लाइटरूम में कुछ इस टाइप का कलर ग्रेडिंग करने के लिए गाइज, जो भी आपका नॉर्मल पिक्चर है उसको जस्ट यहाँ से गाइज आपको लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर कर लेनी है। एंड अभी गाइज मैं यहाँ से लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लूँगा एंड ऑल फोटोज़ में हमारे यहाँ से पिक्चर आ जाएगा। सो सबसे पहले गाइज मैं यहाँ से अब इसको अपने साइज़ में जो है क्रॉप कर लूँगा 4:5 के रेशियो में, जो इंस्टाग्राम के पोस्ट का साइज होता है। आप सब अपने अनुसार इसको क्रॉप वगैरह कर सकते हैं। एंड इतना करने के बाद गाइज सबसे पहले आपको लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करनी है। एंड यहाँ पे गाइज आप सब मैनुअली लाइट एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, बाकी यहाँ से ऑटो का भी ऑप्शन मिलता है। अगर जस्ट आप ऑटो पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से ऑटोमेटिक आपका जो है लाइट एडजस्टमेंट हो जाएगा। अभी आप सब देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। एंड बाकी आप मैनुअली अगर आपको मतलब जो कॉन्ट्रास्ट वगैरह अगर आपको हाई चाहिए तो आप सब यहाँ से हाई कर सकते हो। सो फिलहाल मैं हाई लाइट्स को यहाँ से हल्का सा मैं डाउन करके एंड शैडो को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लूँगा। आप सब यहाँ से शैडो एंड हाई लाइट को आप अपने पिक्चर के हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। सो इतना कर लेने के बाद गाइज जस्ट आपको यहाँ से मिक्स टूल में चले जाना है। सो गाइज आपको मिक्स टूल में जाने के बाद सबसे पहले आपको फेस को व्हाइट करनी है। सो फेस को व्हाइट करने के लिए गाइज आपको सेकेंड में जो ऑरेंज कलर है जस्ट आपको इसको सेलेक्ट करनी है। एंड इसका गाइज आपको लुमिनियंस को इंक्रीज करनी है। सो आपको जितना भी आपको गाइज फेस व्हाइट चाहिए उसके हिसाब से आप सब लुमिनियंस को इंक्रीज कर सकते हैं। फिलहाल मैं लुमिनियंस को लगभग 20 के आसपास मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। एंड इतना करने के बाद गाइज जस्ट आपका जो भी बैकग्राउंड का कलर है येलो एंड ग्रीन, सो दोनों का आप सब यहाँ से सैचुरेशन को -100 कर लीजिएगा। सो कुछ इतने स्टेप गाइज आपको करनी है। एंड अगर आपको लगे कि फेस आपका थोड़ा रेड दिख रहा सो आप सब यहाँ से जो उसको गाइज हल्का सा सैचुरेशन आप सब डाउन कर लीजिएगा जो ऑरेंज कलर है इसका। एंड इतना करने के बाद गाइज जो भी आपका कपड़ों वगैरह का कलर है आप सब उसका यहाँ से सैचुरेशन एंड ह्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने अनुसार। एंड इतना करने के बाद गई जस्ट आपको ऊपर से यहाँ से डन कर लेनी है। एंड डन करने के बाद गई जस्ट आपका यहाँ से मिक्स के बगल में आपको कलर ग्रेडिंग का ऑप्शन मिलता है। जस्ट आपको कलर ग्रेडिंग वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। एंड यहाँ पे आपके सामने में कुछ इस टाइप का आएगा, जस्ट यहाँ से मैं क्रॉस कर लूँगा। एंड यहाँ पे गई जस्ट आपको ऊपर से यहाँ से थर्ड वाला आइकॉन दिखेगा, थर्ड वाला जो राउंड है जस्ट आपको इसको आपको सेलेक्ट करनी है। एंड यहाँ पे गई जस्ट आपको ये वाला जो है राउंड को कुछ इस टाइप से आपको पकड़ के यहाँ पर ला के आपको छोड़ देनी है। सो आप ऊपर में देख सकते हो ह्यू आपको तो 240 एंड सैचुरेशन लगभग 40-44 के आसपास आपको रखनी है। सो कुछ इतना आपको कर लेनी है। एंड इतना करने के बाद गाइस जस्ट आपको ऊपर से डन करनी है। फिलहाल आप सब देख लीजिए कुछ इतना में आपको राउंड को यहाँ से कलर में रखनी है। एंड इतना करने के बाद गाइस जस्ट आपको ऊपर से डन करनी है। एंड डन करने के बाद गाइस जस्ट आपको यहाँ से नीचे में इफेक्ट का बटन दिखेगा, जस्ट आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करनी है। एंड यहाँ पे गाइस जस्ट आपको क्लैरिटी को 10% ऐड करनी है। एंड जो टेक्सचर है इसको भी आप सब 10 के आसपास इंक्रीज कर लीजिएगा। एंड उसके बाद जस्ट आपको यहाँ से डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करनी है। एंड यहाँ पे गाइस जस्ट आपको शार्पिंग को लगभग 40 के आसपास जो है इंक्रीज करनी है एंड डिटेल्स को पूरा। एंड यहाँ से नॉइज़ डिटेक्शन को 30% एंड डिटेल्स को पूरा। एंड कलर नॉइज़ डिटेक्शन को 40% एंड डिटेल्स एंड स्मूथनेस को आपको पूरा इंक्रीज कर लेनी है। सो गाइस अभी आप सब देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर कुछ इस टाइप का कलर ग्रेडिंग मैं लाइटरूम से कर चुका हूँ। एंड कुछ इस टाइप से आप सभी अपने पिक्चर में कुछ इस टाइप का कलर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सो उसके बाद गाइस ये वाले पिक्चर को जस्ट आपको शेयर वाले बटन पर क्लिक करके इसको सेव टू डिवाइस वाले बटन पर क्लिक करके इसे आपको गैलरी में सेव कर लेनी है। एंड गाइज कुछ इस टाइप से आप सभी अपने नॉर्मल पिक्चर को कुछ इस टाइप का कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। बाकी गाइज अगर आपको फेस वगैरह स्मूथ करने है तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना के रखा है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वो वाले वीडियो देख के फेस स्मूथ करना सीख सकते हैं। बाकी गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सो यकीन करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो जोर से लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।